हेलो टेक चार्जर्स, फिर से हाजिर हो गए हैं टेक न्यूज का एक नया एपिसोड लेके। आज भी बहुत सारी दोस्तों कमाल की टेक न्यूज आपके लिए लेके आए हैं, तो जानने के लिए लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। वेलकम बैक दोस्तों। तो शुरुआत कर लेते हैं आज की सबसे पहली खबर से। टेक्नो इंडिया में करने जा रहा है स्पार्क सीरीज का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च। कंपनी ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर इमेज के सहारे इस स्मार्टफोन के बारे में जानकारी साझा की है। इमेज में दिखाई गई जो फोन की डिजाइन है उससे पता चलता है पीछे वर्टिकली अलाइन किए हुए आपको मिलेंगे ट्रिपल रियर कैमरा। उसके अलावा पीछे की तरफ ही फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। पंच होल डिस्प्ले है जो कि कॉर्नर पे आपको ऊपर की तरफ मिलेगा। अब यहां पर फोन दोस्तों है स्पार्क 7 प्रो। अब स्मार्टफोन 25 मई को होने जा रहा है लॉन्च। देखते हैं फोन प्राइस एग्जैक्ट कंपनी इंडिया में क्या रखती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रांसियन इंडिया जो कि इंडिया में दो स्मार्टफोन्स को आईटेल और टेक्नो दोनों को सेल करती है, तो ट्रांसियन ने एक नया दोस्तों अनाउंसमेंट कर दिया है। 2 महीने के लिए जो वारंटी पीरियड था वो एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि 15 अप्रैल से लेकर 15 जून के बीच में जिनकी भी स्मार्टफोन की वारंटी खत्म हो रही है तो वो वेबसाइट पर जाकर या फिर एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करके कार्ल केयर की और वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को IMEI और सीरियल नंबर के साथ में, ताकि उनको 2 महीने जो बड़ा हुआ एक्सटेंड पीरियड है वारंटी का वो मिल सके। तो ये अच्छी एक खबर यूजर्स के लिए है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये आ रही है OnePlus से। दोस्तों ज्यादातर सैमसंग हो, रियलमी हो, Xiaomi हो या और कोई कंपनी हो, ओप्पो वीवो, सारी ही अपनी वारंटी को एक्सटेंड कर रही हैं। पिछले साल भी कंपनियों ने ऐसा ही किया था। अब जाकर OnePlus ने भी अनाउंस कर दिया है ऑफिशियली COVID-19 की वजह से 30 जून तक वारंटी पीरियड को कंपनी ने एक्सटेंड किया है। ये सभी जितने भी सर्विस सेंटर इंडिया में काम करते हैं उन सभी पर लागू होगा। अगर आपके डिवाइस एक्सपायर हो रही है वारंटी तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं इसके बाद अगली खबर की तरफ जो कि आ रही है गेमर्स के लिए, वो भी डाई हार्ड फैन जो कि पबजी के लिए मरे जा रहे हैं। अब कंपनी ने उनके लिए, वैसे तो आपको पता है कि पिछले महीने के जो हाफ मंथ गुजर गया है उसके बाद से ही लगातार चर्चा चल रही है कि बैटल ग्राउंड इंडिया मोबाइल के नाम से ये आने जा रहा है। फिलहाल इस स्मार्टफोन के बारे में कुछ ना कुछ हर दिन कोई ना कोई सोशल प्लेटफॉर्म पर नई जानकारी कंपनी साझा कर रही है। अब आज एक नया पोस्टर रिलीज किया है कंपनी ने जिसमें बताया गया है दरअसल COVID-19 के बीच में जो मास्क लगाने की अहमियत है वो गेम में भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप प्री रजिस्टर करते हैं फोन को तो आपको कुछ स्पेशल जो एक्सेसरीज हैं वो फोन के अंदर मिल जाएंगी, जैसे कि रिकॉन और आउटफिट है और रिकॉन मास्क। ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी जो कि आप गेम प्ले के दौरान भी इन चीजों को पहन के रख सकेंगे। तो मतलब एक तरीके से अवेयरनेस लाने के लिए बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ने ये एक पहल की है जो कि अच्छी भी है। बढ़ते हैं इसके बाद अगली खबर की तरफ जो कि आ रही है ओनर से। ओनर दोस्तों करने जा रहा है ओनर 50 को लॉन्च, जो कि पहला फोन होगा कंपनी का जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट के साथ में लॉन्च होगा। ओनर ग्लोबल ने इसके बारे में जानकारी दी है क्योंकि कंपनी पहली बार ऐसा है कि क्वालकॉम का कोई चिपसेट लाने जा रही है वाबी से अलग होने के बाद। बाकी दोस्तों देखते हैं फोन कैसा रहता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। OnePlus वॉच के बारे में जानकारी है जो कि साइबरपंक 2077 का एडिशन लेके आ रही है। 24 मई को ये नया एडिशन हमें OnePlus वॉच का देखने को मिलेगा जिसकी प्राइस तकरीबन $159 के आसपास रह सकती है। अब $159 का मतलब हो गया दोस्तों कि तकरीबन 13,000-14,000 के आसपास इसकी प्राइस रहेगी। 1.4 इंच का OLED डिस्प्ले पैनल भी मिलेगा और यहां पर 24 तारीख को लॉन्च होने के बाद इसमें डिफरेंट आपको साइबरपंक 2077 के कस्टमाइज आपको फेसेस भी देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि Redmi Note 8 स्मार्टफोन के बारे में है। 2021 का इसका नया वर्जन कंपनी लाने जा रही है। कंपनी ने टीज कर दिया है लेकिन अभी इसकी डेट अनाउंस होना बाकी है। फोन के अंदर बता देता हूं कि इस बार Xiaomi दे सकता है MediaTek Helio G85 प्रोसेसर। वैसे दोस्तों और भी डिटेल का इंतजार रहेगा और साथ में डेट का भी कि आखिर फोन कब इंडिया में कंपनी कब लेके आ रही है। और अब बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की तरफ। Nubia Z30 Pro स्मार्टफोन कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 888 चिपसेट पावर दे रहा है। 3 रैम साइजेस में 8GB से लेके 12GB तक हमें देखने को मिलेंगे। 256 128GB इंटरनल स्टोरेज है। प्राइस की बात करें 56,800 के आसपास इसकी प्राइस रखी कंपनी ने और फोन के अंदर पीछे की तरफ क्वाड कैमरा दिया गया है और साथ में पीछे की तरफ 3D नूबिया का लोगो भी आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों फोन इंडिया में अभी फिलहाल आना बाकी है या फिर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन। फिलहाल ये थी कुछ आज की टेक न्यूज जो आपको जानना बेहद जरूरी थी। बाकी दोस्तों कहना चाहेंगे वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे और किसी वीडियो के साथ, अपने ख्याल रखिए। चैनल साथ हिंदुस्तान सिंदाबाद।